अगर हम चीजों को हीट करें तो वो एक्सपैंड करती हैं और एक्सपैंड करने के कारण उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम चेंजेस कैसे निकालें तो मैंने अपना फेवरेट एग्जाम्पल ले रखा है इसके लिए गोल्ड का सोने से मुझे बहुत प्यार है तो यहाँ पे मैंने एक गोल्ड क्यूब ले रखा है और इसकी एक साइड लेंथ है एल और यह भी टेम्परेचर टी पे है अब अगर इसे मैं हीट करूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ के कुछ हो गया टी प्लस डेल्टा टी और इसके कारण साइड लेंथ भी मेरी बढ़ गई है एल प्लस डेल्टा एल हो गई है और क्योंकि ये एक गोल्ड यूनिफॉर्म मटेरियल का बना हुआ है गोल्ड का क्यूब तो इसे अगर मैं यूनिफॉर्मली हीट करूं तो हर एक साइड लेंथ बराबर बराबर अमाउंट से बढ़ेगा सेम अमाउंट से बढ़ेगा है ना कोई एक साइड लेंथ स्पेशल तो होगी नहीं तो यानी कि सारी साइड लेंथ अभी एल प्लस डेल्टा एल हो गई है और ये अभी भी एक क्यूब है तो अब हमें निकालना है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि चेंज इन लेंथ और चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं और अगर तुमने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि तुम उन्हें पहले देख के आओ उसके बाद यहां कंटिन्यू करो और अगर तुमने देख रखा है तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि डेल्टा वी कितना आएगा अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो देखते हैं अब मुझे निकालना है चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी उसके लिए मैं कर दूंगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो इनिशियली ये एक क्यूब था और इसकी साइड लेंथ थी एल तो वी इनिशियल ये हो जाएगा एल क्यूब और फाइनली भी ये एक क्यूब ही है बस की साइड लेंथ बढ़ के हो गई है एल प्लस डेल्टा एल तो यानी कि वी फाइनल ये हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब अब मुझे निकालना है डेल्टा वी और वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी दिस इज इक्वल टू वी फाइनल दैट इज एल प्लस डेल्टा एल इसका होल क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज तो तो अब यहां से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही बच जाती है हमें दिख रहा है कि यह ए प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म और इसे मैं खोल दूंगा और पूरी की पूरी चीज को सॉल्व कर दूंगा तो अब यही करते हैं तो अब ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस समथिंग अब लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब यह हो जाएगा डेल्टा एल का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी ठीक है तो प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर ठीक है प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर और माइनस में ये एल क्यूब तो कह रहे हैं ही तो माइनस एल क्यूब तो सबसे पहले तो ये एल क्यूब और इस एल क्यूब को मैं काट दूंगा और मेरे पास बच गया ये वाली टर्म यही है मेरी डेल्टा वी अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा एल क्यूब और ये डेल्टा एल स्क्वायर वाला टर्म ये दोनों टर्म बहुत ही छोटे होंगे इन कंपैरिजन टू ये वाला टर्म और ऐसा ही हमने कुछ किया था एरिया एक्सपेंशन के फॉर्मूले में हमने मान लिया था कि एल इनिशियल लेंथ कुछ हंड्रेड सेंटीमीटर्स है तो जो एक्सपेंशन होगा ना वो इनिशियल लेंथ के कम्पेरिजन में बहुत ही छोटा होता है जनरली तो मान लेते हैं कि वो हो रहा है पॉइंट सेंटीमीटर तो अब अगर इसे मैं सब्सिट्यूट करूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर दैट इज जीरो 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 और यहाँ पे आ जाएगा एक हंड्रेड ठीक है और एक्सपेंशन हो रहा है पॉइंट वन का तो दिस इंटू पॉइंट वन और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट वन का स्क्वायर दैट इज पॉइंट जीरो वन और यहाँ पे पॉइंट वन की क्यूब पॉइंट जीरो जीरो वन अब अगर तुम इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा वन थाउजेंड और यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ वन और यहाँ पे आएगा पॉइंट जीरो जीरो वन तो वन थाउजेंड के कंपैरिजन में वन तो बहुत ही छोटा नंबर है पॉइंट जीरो जीरो वन इसकी तो खैर बात ही नहीं करते हैं तो तुम्हें तो दिख रहा होगा कि हम कितनी आसानी से इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस बड़े नंबर के कंपैरिजन में है ना तो वैसे ही मैं इसको इस वाली टर्म को सॉरी इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट करने वाला हूं और साथ के साथ इस वाली टर्म को भी नेग्लेक्ट करने वाला हूं इन कंपेरिजन टू तो ये वाली टर्म तो फाइनली मेरे पास आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल वैसे डेल्टा एल तो मेरे पास है यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल एल डेल्टा टी और ये जो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ये केवल किसी वायर के लिए ही वैलिड नहीं है बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट की तुम एक लीनियर डायमेंशन ले लो जैसे कि इस क्यूब की लेंथ उसकी भी जो एक्सपेंशन होगी ना वो ये फॉर्मूला दे देगा तो यहाँ पे हम इस डेल्टा एल की जगह पे ये डाल दे देंगे तो यहाँ पे डेल्टा एल की जगह पे हम अल्फा एल एल डेल्टा टी एल डेल्टा टी तो ये पूरी चीज ये हो जाएगी यहां पे इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूं थ्री इंटू एल्फा एल इंटू एल स्क्वायर इंटू एल ये हो गई क्यूब और एल क्यूब तो थी इनिशियल वॉल्यूम यानी कि थ्री एल इंटू वी इंटू डेल्टा टी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अब ये हो गई तुम्हारी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी और तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये कितना सिमिलर है हमारे इन लीनियर एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन के फॉर्मले से यहाँ पे भी देखो तो एक कॉन्सटेंट है एल्फा एल या फिर एल्फा ए तो यहाँ पे भी थ्री एल्फा एल जो है ना ये भी एक कॉन्सटेंट ही है इन इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे था इनिशियल लेंथ इनिशियल एरिया तो इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर तो सब में कॉमन ही है तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मुला आ रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन का वो भी बिल्कुल ही सिमिलर है इन सारे फॉर्मले से और ये क्योंकि एक कॉन्सटेंट है जो कि बताता है चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा तो इसे भी हम एक नया नाम दे देंगे और इसे हम कहने वाले हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को इसे मैं डिनोट करने वाला हूं अल्फा वी से यह है L, है अल्फा अल्फा एल यह ए और ये हो गया अल्फा वी और अब हमने कैलकुलेट कर लिया है चेंज इन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट है वो है थ्री एल्फाएल और इसे हम एल्फा वी भी बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को

अब एक तीसरी बात क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्यूब के लिए पूरा डेल्टा वी निकाला तो तुम ये सोच सकते हो कि क्या यही फॉर्मला क्यूबॉर्ड के लिए भी वैलिड होगा के लिए क्या अलग आएगा तो नहीं किसी भी शेप की चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालनी हो ना तो उसके लिए सेम आने वाला है बसरते बस इस बात का ध्यान रखना कि जो चेंज इन लेंथ हो रहा है ना डेल्टा एल ये एल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और तभी हम यहाँ पे ये डेल्टा एल क्यूब और ये वाला जो सारी टर्म है ना इसे हम कर सकते हैं वरना ये डेल्टा वी का एक्सप्रेशन जो आया है इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अब आखिर में मैं तुम्हें कुछ कॉमन एलिमेंट्स की एर और वी की वैल्यूज दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली एल्फा एल की तिगुनी होती है तो यहां मैंने टेबल बना रखी है एक ये रही टेबल और तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारी मटेरियल्स हैं यहाँ पे और इन सबकी जो एल्फा वी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट तीन गुनी है एल्फा एल की